व्यूअर्स, क्या आपको भी कभी डाउनलोडिंग करते समय यूट्यूब में प्रॉब्लम आई है? आपके क्रोम ब्राउजर के साथ जो फाइल आप डाउनलोड करते हैं उसमें सीआर डाउनलोड लिख के आता है, वॉज इट अ सीआर डाउनलोड फाइल? हाउ टू ओपन, एडिट एंड कन्वर्ट द सीआर डाउनलोड फाइल? अगर आती है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दिस आर्टिकल एक्सप्लेन द सी आर डाउनलोड फाइल एंड आर हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फाइल्स, हाउ टू नो विच प्रोग्राम विल किल लाइकली ओपन इट एंड वॉट टू डू इफ यू नीड टू कन्वर्ट वन। आप कौन सा प्रोग्राम यूज करिए कि उसको ओपन कर पाइए और उसको कन्वर्ट कर पाइए। हाउ आर सी आर डाउनलोड फाइल यूज, हाउ टू ओपन इट, हाउ टू रिनेम इट, हाउ टू कन्वर्ट इट, और more information about CR download file and how to rectify, how to fix this problem with the browser, और इसकी साइज कैसे चेंज होती है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इफ एवरी फाइल यू डाउनलोड हैज अ CR download file extension, that means there is a some bug or issue in your Chrome, so you update your Chrome or your remove your uninstall your Chrome and install it again। और क्या ये CR download file virus होती है? अगर होती है तो उसको कैसे fix करना चाहिए? ये सारी चीजें आज हम video में सीखेंगे। What is a CR download file? How to open it, edit and convert it into different file? What is to know? A CR download file is a Chrome partial download file। जो आधी अधूरी फाइल आपकी डाउनलोड होती है वो CR download file होती है। You can't usually open or convert or without first renaming the file extension। अब उसको ना ही आप ओपन कर सकते हैं ना कन्वर्ट कर सकते हैं जब तक कि एक्सटेंशन को आप रिनेम ना करिए। What is a CR download file? अब आपको हमने बताया ना कि पार्शली जो डाउनलोड फाइल होती है वो CR download file होती है। इसको यूज कैसे करते हैं पार्शियली? हाउ आर सीआर डाउनलोड फाइल यूज? पार्शियल डाउनलोड आर ड्यू टू द फैक्ट दैट आइदर द फाइल इज स्टिल बीइंग डाउनलोडेड बाय क्रोम और डाउनलोड प्रोसेस वाज इंटरप्टेड, सो इट्स ओनली अ पार्शियल इनकम्प्लीट फाइल। अगर आपने बीच में कुछ इंटरप्ट कर दिया है डाउनलोड को तो वो पार्शियली डाउनलोड हुई है और वो दिखाता है कि क्रोम अभी भी उसको डाउनलोड करता है और उसके आगे सी आर डाउनलोड लिख जाता है। लेकिन डाउनलोड के समय ये सी आर डाउनलोड आपको नहीं दिखेगा, वो जब आप डाउनलोड कर चुकी है तब दिखेगा और अनकंफर्म फाइल होती है जो कि आपकी डाउनलोड नहीं हुई रहती है। हाउ टू ओपन सी आर डाउनलोड फाइल? सी आर डाउनलोड फाइल आर नॉट ओपन इन प्रोग्राम बिकॉज दे आर रियली जस्ट टू अवॉइड प्रोडक्ट ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का बाय प्रोडक्ट होता है और उसको हम खोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको रीनेम करते हैं तो उसको पार्शियली हम कन्वर्ट कर सकते हैं और पार्शियली हम उसको देख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने कोई साउंड फाइल MP3 डाउनलोड की और उसके आगे CR डाउनलोड लिख के आ गया, तो उसको आप साउंड फाइल MP3 में रीनेम कर दीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइल कितनी देर डाउनलोड हुई है और कितनी देर आपकी सेव हुई है। तो अगर आपकी AVI फाइल आपने डाउनलोड की है तो आप VLC मीडिया प्लेयर में रीनेमिंग के बाद आप उसको खोल पाइएगा। लेकिन कैसे खोल पाइएगा? VLC मीडिया प्लेयर जो होता है वो आपका CR डाउनलोड फाइल को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, तो आपको जस्ट CR डाउनलोड हटा करके उसमें जो रीनेम्ड फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। और जब ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा तो VLC मीडिया प्लेयर में आपकी फाइल चल जाएगी। हाउ टू कन्वर्ट अ CR डाउनलोड फाइल? अब इसको जो आपने रीनेम किया उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप? लेकिन उसका कोई यूज नहीं है कि आप कन्वर्ट करिए क्योंकि आपकी फाइल अधूरी है। लेकिन बहुत बड़ी फाइल है और आप चाहते हैं जो पोर्शन कन्वर्ट कर लें तो आगे का हम अपना और बना लेंगे फाइल को, तो उस फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
और फाइल को PDF, MP3, AVI, MP4 आदि फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट देर इज नो वे टू कन्वर्ट दिस फाइल इफ इट इज हाफ डाउनलोडेड। However, keep in mind that you learned above about changing the file extension so that the file you're downloading, once you have file saved with the proper file extension, you might be able to use pre-file converter to convert it into different format. अब उसको हम convert to file use करके उस portion को retrieve कर लेंगे। Can't open a file here, how to convert it? For instance, if the MP3 file that only partially downloaded is usable in some form, then you might be able to plug it into the audio file converter to save it into new format. However, if this is work, you need to rename .mp3 CR download file to .mp3. हो सकता है कोई फाइल कन्वर्टर आपकी फाइल को कन्वर्ट कर दे, लेकिन इसके पहले आपको रीनेम करना पड़ेगा, तब कन्वर्ट करना पड़ेगा। More information on CR download file. When the normal download take place in Chrome, the browser attach this CR download file extension to file name, then usually automatically remove it when the download finish. ये तभी तक रहता CR download जब तक कि file fully download नहीं होती है। जैसे ही download complete होता है, CR download हट जाता है। This means you shouldn't ever have to manually remove the extension unless of course you are trying to save a part of a file like what described above. अब आपकी फाइल बहुत बड़ी है और आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस एक्सटेंशन को हटाइए, अदरवाइज क्रोम आपकी फाइल को डाउनलोड करेगा और ये एक्सटेंशन अपने आप हट जाएगा। You won't see Chrome open CR download to end of file during the download unless you ruin the file. और ये CR download तब नहीं दिखता है जब आप फाइल को डाउनलोड करते हैं। ये एक्सटेंशन पूरा डाउनलोड होने के बाद, जितना डाउनलोड हुआ रहता है उसके बाद दिखता है। द साइज ऑफ CR डाउनलोड फाइल ग्रोज एज मोर ऑफ फाइल इज डाउनलोड। और जैसे जैसे फाइल आपकी डाउनलोड होती जाती है, वैसे वैसे साइज फाइल की ओरिजिनल फाइल तक आ जाती है, और जैसे ही फिनिश होती है वो CR डाउनलोड को हटा देता है। ट्राइंग टू डिलीट अ CR डाउनलोड फाइल मे प्रॉम्प्ट यू विद अ फाइल इन यूज मैसेज दैट से something like the action can't be completed because this file is open in Google Chrome. और अगर आप इस फाइल को डिलीट करना चाहिएगा तो वो डिलीट भी नहीं होगी, क्योंकि गूगल क्रोम में वो खुद ही होती है और गूगल क्रोम उसको डाउनलोड करता रहता है। This means the file is locked. अब इसका मतलब तो यही है कि फाइल लॉक है, because it is still being downloaded by Chrome, क्योंकि वो क्रोम के द्वारा अभी भी डाउनलोड की जा रही है। Fixing this is a simple and cancelling the download in Chrome so long as you don't want to finish the download. लेकिन फाइल एकदम अटक ही जाए और बिल्कुल डाउनलोड ही ना हो, बहुत घंटों हो जाए, तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए जिससे कि फाइल डाउनलोड ना हो। और कैंसिल करते ही मन क्रोम ये समझ जाता कि आपको वो फाइल नहीं चाहिए। If you cancel active download in Chrome, the software will assume you won't file. वो वांट द फाइल गॉन एंड विल रिमूव ऑल ऑफ इट, और फिर वो सारी फाइल को डिलीट कर देगा। इफ एवरी फाइल यू डाउनलोड हैज अ CR डाउनलोड फाइल एक्सटेंशन एंड नन ऑफ देम सीम्स टू बी डाउनलोड कम्प्लीटली, इट कुड मीन्स देयर इज एन इशू और बग विद योर स्पेसिफिक वर्जन ऑफ क्रोम। लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब हर फाइल के साथ CR डाउनलोड दिखाने लगे। इसका मतलब है कि आपके क्रोम में कोई बग आ गया है जिसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्रोम को अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट के बाद भी अगर वो नहीं एक्सटेंशन को हटाता है तो आपको कम्प्लीटली क्रोम को अनइंस्टॉल करके फिर से क्रोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन केयरफुल रहिए कि इससे आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी और आपसे उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी सब हट जाएंगे, और आपका वो बग भी हट जाएगा जो आपके एक्सटेंशन में गूगल क्रोम में आ गया है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी, लेकिन आपको जो प्रॉपर चीज़ें डाउनलोड करनी है वो कर लीजिए, जो चीज़ें आपको सेव करनी है वो सेव कर लीजिए, और जिससे कि आपको कोई लॉस ना हो। अब ये बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि इस फ्रॉम CR डाउनलोड फाइल इज वायरस,
क्या ये वायरस था जिसकी वजह से हमारी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही थी? तो ऐसा कुछ नहीं है, सीआर डाउनलोड फाइल वायरस नहीं है। हाँ, अगर आपकी फाइल में वायरस था तो वो वायरस उसमें हो सकता है। तो उसके लिए आपको वायरस स्कैनर स्कैन करके वायरस को रिमूव कर लेना चाहिए और अपनी फाइल जो आपने अपलोड की है उसको सेव कर लेना चाहिए। कैन यू फिक्स अ सीआर डाउनलोड फाइल? क्या आप सीआर डाउनलोड फाइल की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं? यू कैन ट्राई इफ यू फाइंड सीआर डाउनलोड फाइल इन क्रोम डाउनलोड फोल्डर, यू कैन ट्राई हिटिंग द रिज्यूम बटन टू फिनिश द डाउनलोड, इट डजंट ऑलवेज वर्क। अगर आप बार बार रिज्यूम क्लिक करते हैं तब भी फाइल डाउनलोड नहीं होती है। इन दैट केस ट्राई डाउनलोडिंग एंटायर फाइल अगेन। तो उस केस में आपको पूरी फाइल फिर से डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि वो फाइल बीच में इंटरप्ट हो गई और वो आपकी डाउनलोड नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप सीआर डाउनलोड फाइल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट सोल्यूशन है कि आप क्रोम को फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।